अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोफिन रफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, क्लास चल रही है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और आज उस सीरीज का हमारा 19वां लेक्चर है और हम ऑलमोस्ट अपना हाफ सिलेबस जो है वो ख़त्म करने वाले हैं और हमने पिछली एक दो क्लासेस से हमारा एक बहुत अहम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक डेप्रिसिएशन शुरू किया हुआ है। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम दूसरा मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, उसके ऊपर बात शुरू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर अपनी बात शुरू की थी रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एसेट खरीद करते हैं तो उसको कैसे मतलब एंटर करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और फिर जब हम उस एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो फिर डेप्रिसिएशन की कैसे एंट्री करते हैं, और फिर जब हम उस एसेट को फेल करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स यूजफुल लाइफ, फिर हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, और कौन से अकाउंट उस सूरत में डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट जो है उस सूरत में क्रेडिट होते हैं, यहाँ तक जो है हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बात की। हमने देखे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम अपने इस कोर्स के अंदर जो है दो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करेंगे। और आखिर में मैंने आपको एक एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड की दिखाई और एक्सरसाइज भी दी। मुझे उम्मीद है सारे दोस्तों ने वो एक्सरसाइज कर ली होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसकी वो क्यूरी दूर करूँगा। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड जो हमारा मेथड था, रिटन डाउन वैल्यू का मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन में, उसके ऊपर बात करेंगे, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे और फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और ये वही स्लाइड है जो हम लोगों ने मेथड्स की देखी थी अपनी पिछली क्लास के अंदर, जिसमें हमने दो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात की। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो दूसरा मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू का मेथड, उसकी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटन डाउन वैल्यू। अब इस मेथड के अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर, कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन जो हमने एक साल निकाली है, अगले साल जो है वो उसमें से जो कॉस्ट बच जाती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब ये जो कॉस्ट बच गई है इसको हम रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो ये है दोस्तों रिटन डाउन वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट। जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगा कि बेसिकली रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। इसमें कॉस्ट ऑफ एफर्ट जो है वो 1,00,000 है। इसमें डेप्रिसिएशन रेट अब दिया गया, यहाँ पे पहले हमें जो दिया गया था वो रेविड्यूअल वैल्यू दिया गया था, स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट है जी 20%, यूजफुल लाइफ 5 ईयर है और हमने कैलकुलेट करनी है जी डेप्रिसिएशन बाई यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू मैथड, रिटन डाउन वैल्यू मैथड का इस्तेमाल करके। चलिए जी इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सॉल्यूशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले लिखी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखें जो है हमने एक टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल में आपको पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू आ रहा है। 5th ईयर की पहले से कैलकुलेट की हुई है, ये फिटिंग का कोई मसला है, वो एडजस्ट नहीं हो पाया। तो इसमें देखें कॉस्ट ऑफ एफर्ट जो है हमारे पास 1,00,000 आ गया, यहाँ पर हमने 1,00,000 लिख दिया। आगे जो है हमारे पास डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, अब देखें हमने फर्स्ट ईयर की जब डेप्रिसिएशन निकालनी है तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है देखें 1,00,000 है, मतलब कॉस्ट जो उसकी ओरिजिनल है उसके पर हम 20% कैलकुलेट करने के लिए 1,00,000 जरा 20 तकसीम 100 करेंगे तो 20,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, एक्युमुलेटेड में भी 20,000। और रिटर्न डाउन वैल्यू देखें हमारी जो कॉस्ट अब बच गई है 80,000, ये हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब सेकेंड ईयर की कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर में देखें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर की, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 80,000 जो है वो
रिटन डाउन वैल्यू है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 16,000 डेप्रिसिएशन आ गई। अक्यूमुलेटिव देखें, 20,000 पहले था, 16 ये 36 हो गया, और रिटन डाउन वैल्यू जो है 80 में से जब हम 16 निकालेंगे तो बाकी 64 बचता है। इसी तरह हमने डेप्रिसिएशन जब थर्ड ईयर की निकाली तो 64,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 12,800 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 48,800 आ गई, और रिटर्न डाउन वैल्यू देखें हमारे पास 51,200 है। ये कैसे आई, 64,000 में से जब हम 12,800 माइनस करेंगे तो 51,200 बच जाएगा। इसी तरह जब हम अपना फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसमें जो है हमारे पास देखें बचा हुआ है जो हमारा बैलेंस 51,200 है, तो 51,200 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, 10,240 जो है हमारी डेप्रिसिएशन आ गई, 48,800 हमारा पीछे पड़ा है, 10,240 ये है, तो 40 जो है हमारा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रिटर्न डाउन वैल्यू 40,960 बच गई। आगे फिफ्थ ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 40,960 वर 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारी डेप्रिसिएशन 20% 8,192 आ गई, और टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 67,232 आ गई, और हमारे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो हमारे पास बच गई 32,768। तो दोस्तों ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट, कि जो कॉस्ट हमारे पास बच जाती है इन द प्रीवियस ईयर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द प्रीवियस ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू। इन द नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन जो है वो उसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास पिछले साल जो है रिटर्न डाउन वैल्यू या जो कॉस्ट है जो बच जाती है। अब हमने दोनों मेथड्स पढ़े दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मेथड भी पढ़ा और हमने जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड वी हैव जीरो बैलेंस एट द एंड। हमने जब स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो वैल्यू एंड पे बची थी वो जीरो बची थी। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इन दिस मेथड वी हैव 32,768 एट द एंड ऑफ आवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो हमारे पास बचता है वो बचता 32,768। इट मीन्स के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज बेटर देन द स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो आपकी बचती है जीरो, और जबकि आपका जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या जिसको हम डाइमेंशनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, उसके अंदर आपकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो है 32,768। तो इसलिए अगर हम उसकी उसमें हमें जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमें एक रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई वो भी 20,000 थी, अगर हम उसके साथ भी कंपेयर करें तो हमारा जो है ये जवाब ज्यादा है 32,768, तो उसमें 20,000 था तो तब भी ये वैल्यू जो है वो कम आती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू जो मेथड है वो ज्यादा बेहतर है, इफेक्टिव है। लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती हैं और कुछ कंपनीज जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यूज मेथड यूज करती हैं, इट्स डिपेंड ऑन हिम, वो उन पर डिपेंड करता है कि कौन सा बेटर मेथड जो है वो उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो अब बारी आ जाती है जी एक्सरसाइज की, कि हमने एक्सरसाइज भी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज कर ली होगी, ये भी तकरीबन उससे मिलती जुलती ही है। इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो हमारे पास 200,000 है, डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 20% है, और यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर है। From the given information, you have to calculate the depreciation by using the written down value method. आपने written down value method का इस्तेमाल करके जो है depreciation calculate करनी है और account बनाना है asset का। ये है आज की आपकी exercise। जल्दी से notebook उठाइए और इसे note down कर लीजिए और solve कीजिए। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्तों को financial accounting समझ आ रही है और आप जल्दी से ये भी solve कर लेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने अपनी बात जो है, अपनी जो डिस्कशन है वो जारी रखी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन के ऊपर। हमने बात की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, उसके साथ ही मैंने आपको फिर रिलेटेड एक एग्जांपल दिखाई और एंड के ऊपर आपको एक एक्सरसाइज दी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की समझ आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको
मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, मोफिन भाई का चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से सीख सकें। दोस्तों, मोफिन भाई को अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम अगली क्लास से अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।